खरगोन शहर की घनी आबादी वाले इलाके मारू मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक पुजारी के सुने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया और करीब 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी चुराने में कामयाब रहे। चोरों ने दान में मिले चांदी के आभूषण, बर्तन और सिक्कों पर भी हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय परिवार भांजी की शादी में शामिल होने गया था। लौटने पर चोरी का खुलासा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू की है। मारू मोहल्ला निवासी पंडित राजेश जोशी के घर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे थे। उन्होंने पूरे घर की इत्मीनान से तलाशी लेने के बाद महंगे सामान पर हाथ साफ कर दिए। उनके घर से करीब 50,000 रुपए की चिल्लर, मां की अलमारी से पेंशन की राशि 20,000 रुपए नगद के साथ ही करीब 3 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी की मूर्तियों सहित करीब 7 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मेरी भांजी की शादी थी, 2 रोज से मैं शादी में गया था। आज आया, बाहर का ताला लगा हुआ था, ताला खुला, चैनल गेट का ताला खुला। अंदर आया तो नौको चाकट हुआ मिला और ताला बाहर नीचे गिरा हुआ। दरवाज़ा खोला, मेरे को शंका हुई तो मैंने मोहल्ले में लोगों को बोला, दो चार अपने मित्र थे उनको आवाज़ दी। दरवाज़ा खोला, पूरे मोहल्ले के अंदर जो है सबको सूचना मिल गई, तकलीफ ज़्यादा हो गई, किससे रोके किसे क्या करें, तो सब अंदर जैसे गया तो सब सामान अस्त व्यस्त मिला। फाड़ दो, माता जी की स्थापना के लिए मेरी जो खड़ग रखी हुई थी तलवार, उससे उन लोगों ने मेरी मिसेज की अलमारी एवं मेरी माता जी की अलमारी को तोड़ दिया। अलमारी के अंदर मेरी मिसेज की 3 मालाएं रखी हुई थी मंगलसूत्र के साथ में, करीबन सोने की। उसके बाद में मेरे पूजा के आए हुए चांदी के सिक्के थे, चांदी की मूर्तियाँ थी, चांदी के कुछ पात्र बर्तन भी थे। उसके बाद में मेरी मम्मी जी की 20,000 रुपये पेंशन थी। उसके बाद में मम्मी जी के सोने के पाटले थी, चूड़ियाँ थी। कितना नगद हो, कितना सारा गया होगा? कुल मिला के नगद चिल्लर होगी करीबन, और उसके बाद में नगद कुल मिला के 2.5 से 3 लाख के आसपास नगद के स्थान। सोना भी था करीबन 9 तोले के आसपास, चांदी करीबन 300 से 400 ग्राम के आसपास। क्या लगभग कितने की चोरी होगी टोटल? टोटल 8 से 10 लाख के आसपास। क्या उम्मीद लगती किधर से आया था ये? उम्मीद अभी कह सकते हैं कि ऊपर छत पर से आए होंगे, क्योंकि बाहर तो दोनों ताले के लगे और नकोचा कटा हुआ मिला हुआ था, तो नकोचा कटा हुआ मिला और दोनों ताले लगे हुए हैं, तो इससे अंदाजा यही लगा सकते हैं कि छत पर से आए होंगे। पीछे से अंदर घुसे होंगे छत पर, छत पे से चढ़ाव पे दरवाजा नहीं है। क्या नाम लिखते आप? मैं पंडित राजेश जोशी लिखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।